आज डिस्क आ गई। डिस्क किससे बनी हुई थी? रिंग से। टेंशन कोई नहीं लेनी, क्योंकि टॉपिक को करना ही नहीं है, दिखाने के लिए है, क्योंकि मैं तो फ्री था ना, मैं तो कर सकता हूँ, आप करें ना करें, तो मेरा तो बनता है करना, और इसलिए भी करता हूँ, जो लोग एडवांस की तैयारी करेंगे ना, उनको ये पता होना चाहिए एंड में। एडवांस वाले यहीं से उठाएंगे क्वेश्चन, डिस्क में से रिंग तोड़ देंगे और आपकी प्रॉब्लम ही वहां से स्टार्ट होनी है, बस ये फर्क है। मेंस वाले ऊपर ऊपर से एप्लीकेशन से निकल जाएंगे, सीबीएसई वाले इस रास्ते को फॉलो ही नहीं करेंगे। लेवल देख रहे हो आप, सीबीएसई वाले बेसिक पॉइंट चार्ज पे खेलते रह जाएंगे, कोई रिंग डिस्क पे आते ही नहीं, वो शेल्स पे आ जाएंगे, तो पॉइंट पे चलते हैं, वो आसान करते हैं। मेंस वाले फॉर्मूलाज का रजिस्टर बनवा रहा हूं ना, तो फॉर्मूलाज और उसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं। नीट वाले फॉर्मूलाज और एप्लीकेशन पे चलते हैं। एडवांस वाले वो फॉर्मूला कहाँ से बना था वो भी चेक कर लेते हैं कि आपको डेंसिटी चेंज कर देगा डिस्क की, आधी कुछ और का आधी कुछ और, यहां पर खेलेंगे बस। है तो एक लेवल का फर्क ना, ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। आप इसलिए आपको टेंशन इस टाइम हो रही है क्योंकि आपने कोर्स नहीं किया। जब आप पूरा मेंस का कोर्स कर लेते हैं और मेंस में आपका 99 तक टच कर जाता है, तो आपको सारी फिजिक्स वैसी याद है, फिर आप कहाँ काम करते हो, फिर आप सिर्फ इस सेगमेंट पे काम करते हो, क्योंकि फिर आपका 2-3 महीने रहते हैं ना, फिर आप नॉर्मल फिजिक्स थोड़ा पढ़ोगे, वो तो आपको आती है, फिर आपको मैथ्स भी आता है बहुत ज़्यादा, आपको इंटीग्रेशन की भी कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप सिर्फ ये देखते हो कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैथ्स आपको आता है, आपको ये स्टेप पता लगा हुआ कैसे, फिर कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है, तो इस तरीके से एंड में जो है फिनिशिंग आती है, राइट। तो ये कई पिक्चर्स जुड़ती हैं एंड में, ठीक है। तो अभी फर्स्ट डे से एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं होगा, पहले दिन मेरा ये मानना है कि एक बार प्रिंसिपल ऑफ जो रेपुटेशन लॉ है, मैंने बनाया वैसे ही अभी, तो प्रिंसिपल ऑफ रेपुटेशन ये बोलता है, आप 4 मुश्किल क्वेश्चन करने की बजाय आप पूरी फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स को 4 बार कर लो, आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आपको अजीब लगेगा ये कि सर वो हाईफाई क्वेश्चन नहीं किए, किसने किए, किसको चाहिए, छोड़ देना वहाँ 4 क्वेश्चन, क्या ही फर्क, तो वो भी आपका 99 क्रॉस करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस स्टडी यही होती है। वो अखबारों में आता है ना, स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया, वो क्या कहता था, फोकस स्टडी के, मैंने फोकस्ड, वो यही कहता है, मैं नाम खिलाफ चीज़ें नहीं करता था, बस मैं वो देखता था क्या आता है, उसके हिसाब से तैयारी करता था। ये है, कुछ लोग थोड़ा R&D टाइप होते हैं, वो उनका रिसर्च एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, वो और अंदर जाने जाने, उन्होंने देखी जाना कैसे हुआ, तो ज़्यादा चले जाते हैं। एडवांस में एप्टीट्यूड चाहिए, एडवांस वालों को एप्टीट्यूड चाहिए होता है वैसे, लेकिन ये एप्टीट्यूड थोड़ा एंड में ज़्यादा काम आता है। तो अभी आपको एक बेसिक कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से आपने करना है, वहाँ पे जाके कोर्स इतना बड़ा हो जाएगा कि आपसे वो रिटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन ये कहते हैं कि आप 4 बार कोर्स कर लोगे ना, तो कम से कम नहीं आधा पेपर तो उड़ा ही दोगे यार, 7+1 के 7+2 के तो उड़ा ही दोगे, और ना सही तो 14, 3, 18 में तो 99 क्रॉस हो जाएगा आपका यार, 4 तो रह गए टोटल। हाँ, 18 के वो तो 99 क्रॉस हो जाएगा फिजिक्स में, 98.5 तो आता ही है, लोगों को आया ही है, 18 से स्टार्ट हो जाएगा अच्छी परसेंटाइल, 18 लग रहा है ना अभी, जब पूरा कोर्स आएगा तो वो आसान नहीं है, फुल कोर्स +1+2 का विद PCM, 3 घंटे का पेपर, तो 6 सब्जेक्ट है और 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट भी है, तो ऐसा लगता है 18 सही करने का मतलब कम से कम 21 अटेम्प्ट करना, 25 में से 21 अटेम्प्ट करना मजाक नहीं है, 21-22 तक जाना आसान नहीं है, तो 2 गलती तो करोगे वो भी तो एवरेज लेके चलेंगे।
चार्ज ऑफ कोरोना, मैं तो स्टडी नहीं किया कोरोना का चार्ज क्या होता है, मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं किया कोरोना का चार्ज क्या है, इतनी फिजिक्स नहीं है ये तो मुझे पता नहीं है, गूगल सर्च करना पड़ेगा कि फिर तो यार मैं भी निकम्मा हो गया यार, यार सारे निकम्मे हो गए यार। अच्छा पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज डिस्क, देखो डिस्क आपके सामने है, ये डिस्क है, चार्ज डिस्क है, एक चार्ज डिस्क के एक्सिस के ऊपर आपको क्या निकालना है, वी। प्रूफ नहीं करना, फॉर्मूला एंड में करना है। कैसे बना, दो लाइन का स्टेप, डिस्क रिंग से बनी हुई है, चार्ज डिस्क पे सिग्मा वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग का एरिया क्या होता है याद है, अपने डिस्क का एरिया वो सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, तो ये आपके पास इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। तो इस रिंग के एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू पता है आपको रिंग की वजह से, रिंग का फॉर्मूला लगा लिया आपने, लेकिन ये पोटेंशियल स्मॉल माना जाएगा। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें और सॉल्व करें, जो आपको नहीं करनी, ये फॉर्मूला आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, तो हमने डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पे ई निकाला था फॉर्मूला, हमने आज क्या निकाल लिया, वी निकाल लिया उसका फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना, और अगर सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर अगर आपको वी निकालने को आए तो एक्स को क्या पुट करेंगे, जीरो, तो सेंटर के ऊपर डिस्क का ये फॉर्मूला आएगा। ठीक हो गया यहां तक, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन शेल और स्फेयर ही है। अगर आपने अपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स को देखा होगा, जगह जगह स्फेयर 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 बने दिखे होंगे आपको, और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने कभी भी शेल और स्फेयर की बात पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं की। हमने ई निकालना तो सीखा, पर ई के क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, आपको वी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, एक शेल, आपने याद है फ्लक्स में एप्लीकेशन की थी, आज आप याद भी करके आएंगे, आपका टेस्ट भी मैंने डाला भी है। तो शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस पे वी निकालना है, शेल के सरफेस के बाहर, शेल के सरफेस के ऊपर, शेल के अंदर, याद है। तो ई हमने निकाला था, ई हमने बाहर कितना निकाला था, 1/4πε0Q/r², डन, क्लियर है। आपको क्या निकालना है ई देखते हुए, वी। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो, लिखो ई इज इक्वल टू -dV/dr, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E की वैल्यू को यहां पुट करो और इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसी लगेंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अच्छा ऐसे करते हैं, चलो हमने क्या निकालना है, V, हम लिमिट क्या लगाएंगे, जीरो से V, क्यों, क्योंकि 1dV की जीरो से V इंटीग्रेशन का आंसर होगा V। तो ये बताओ कि जब पोटेंशियल जीरो है, यहां इंटीग्रेशन डिस्टेंस की है, तो डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हुआ करता था, जीरो, राइट। और जब डिस्टेंस आर है, तो यहां पोटेंशियल कितना है, वी। तो आपको लिमिट लगानी आ रही है, यहां पे लिमिट लगेगी जीरो से वी, तो जीरो पोटेंशियल कहां पर है जब डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी, और वी पोटेंशियल कहां पर है जहां डिस्टेंस कितना है, आर। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। तो 1dV की इंटीग्रेशन वी, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, आर की पावर -2 की इंटीग्रेशन, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, तो क्या होगी, आर की पावर -1/-1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आर की पावर -1 की इंटीग्रेशन क्या है, 1/r,
इंफिनिटी से आर, एक बार आर एक बार इंफिनिटी, वन बाई इंफिनिटी क्या है जीरो। तो आंसर क्या बढ़िया आंसर आया है, क्या सही फॉर्मूला आया है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यूब बाय स्मॉल आर। तो यानी कि एक शेल, एक शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस पे वी का फॉर्मूला क्या है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर आसान हो गया फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें। तो शेल का, शेल के अगर कोई पॉइंट बाहर है, हमें ई भी आ गया और हमें वी भी आ गया, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ई भी आ गया और वी भी आ गया। नेक्स्ट सरफेस के ऊपर आ जाएं, सरफेस के ऊपर अगर आपको वी निकालना है तो सरफेस पे जाने के लिए छोटे आर को क्या पुट करें, कैपिटल आर। व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे। तो एक काम करें, स्मॉल आर को पुट करें कैपिटल आर, तो नेक्स्ट फॉर्मूला वी कहां पर आ गया, ऑन सरफेस। तो वी आ गया कहां पर, शेल के बाहर, वी कहां पर आ गया, सरफेस पे। याद रहेगा फॉर्मूला, रजिस्टर में लिख रहे हैं आपने शेल बना बना के, बाहर फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस पे फॉर्मूला क्या होगा, क्लियर है। नेक्स्ट शेल के इनसाइड, शेल के इनसाइड ई क्या हुआ करता था, जीरो, और ई क्या होता है, माइनस डीवी बाय डीआर। तो अगर ई क्या है, जीरो, तो वी क्या रहा होगा, कांस्टेंट। पता है कितना कांस्टेंट, जितना उसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल है। सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर, और शेल के अंदर पोटेंशियल कितने है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसका मतलब एक रिजल्ट आ गया, लो रिजल्ट को बना दिया यहां पे, जो हमने किया उसको कंपाइल कर दिया इकट्ठा, ठीक। तो ये एक शेल है, बाहर वी का ये फॉर्मूला किया हमने, सरफेस के ऊपर वी का फॉर्मूला, सरफेस के कोई भी पॉइंट अगर अंदर है तो ये फॉर्मूला विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें। तो अगर आप किसी भी शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर वी निकालते हो, जो मर्जी पॉइंट ले लो, वी जहां मर्जी निकाल लो, आंसर विल बी सेम। सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर वी की वैल्यू विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें। वी कॉन्स्टेंट है, अगर वी कॉन्स्टेंट होगा तभी तो ई जीरो होगा। देखो ना, यहां से कांस्टेंट चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहां पर वी है तो अंदर भी वी रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब यहां पे वी माइनस वी करोगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो आएगी, तो ऑब्वियसली ई भी क्या आएगा वहां पर, फिर जीरो आएगा। तो मतलब सरफेस के बाहर बाहर चेंज होता है, अंदर आना कॉन्स्टेंट हो जाता है, ताकि ई की वैल्यू क्या है, हमेशा जीरो। क्या है पॉइंट, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कोई न्यूमेरिकल सिग्मा की फॉर्म में गिवन होगा, क्योंकि शेल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, याद है हमने ई भी किया था इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, अब हम वी भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद है, चार्ज है कितना इस सरफेस के ऊपर, चार्ज निकाला जा सकता है कैसे, चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू कितने एरिया के ऊपर चार्ज है, इतने एरिया के ऊपर चार्ज है, और ये एरिया है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया कितना है, 4 पाई आर, तो चार्ज क्या होगा, सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या है पॉइंट, क्लियर है, क्योंकि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहीं पर ना, और तो कहीं है भी नहीं, ये रहा चार्ज, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे टर्म, आंसर। मेरे को पर्सनली ये फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को ये याद है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल सिग्मा में आ जाता है, फिर मैं फटाफट एक लाइन लिख लेता हूं, क्यू को सिग्मा इनटू फोर पाई कैपिटल आर, फिर मैं ये बन जाता है मेरे से। आप याद कर सकते हो, रजिस्टर में नोट कर लेना, याद हो गया ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ही है। सिमिलरली यहां पर भी चार्ज की जगह सिग्मा इनटू एरिया, ये आंसर, राइट। सिमिलरली यहां पर भी वो तो सेम आएगा, जो ये आंसर सेम है। तो वी क्लियर हो गया, तो अब हमें शेल के ऊपर छह क्वेश्चन आ सकते हैं, ई के तीन फॉर्मूलास, शेल के बाहर, शेल के ऊपर, शेल के अंदर। वी के तीन फॉर्मूलास, शेल के बाहर, शेल के ऊपर, शेल के अंदर, तो छह टाइप के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसमें। बोलो कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। पर यार मैं अगर ऐसा बोलूँगा ना, लोग चिढ़ जाएंगे, कहेंगे यार मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री करता रहता है यार, एक आसान मेथड करा दो हम, तो वही ठीक है।
इतने मेथड भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे ना, पहले दो से लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो ये ग्राफ आता है पेपर में, बहुत आता है, मेंस नीट एनसीईआरटी किसी में भी आ जाएगा, क्या वी के रिजल्ट्स आ सकते हैं। वी देखो एनसीईआरटी ये तो कहेगी ना शेल का, मैं ई तो दे दूंगी, वी नहीं दूंगी, तो वी भी दे देगी यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये वी और आर है, तो आपको ये पता है कि जब तक आप शेल के अंदर हो टिल कैपिटल आर, तो वी की वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट, कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, क्लियर है। लेकिन जब आप बाहर निकल जाते हो तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ग्राफ याद रहेगा, आपको याद है हमने ई का भी ग्राफ किया था, ई का ग्राफ तो स्टार्ट नहीं होता था यहाँ पे, क्योंकि ई अंदर जीरो होता था। अब ये आपको याद करना है, ई आपको ग्राफ पूछा जाएगा तो देखो आप ही को याद करना है, मैं तो बता चुका, वही तो बोल रहा हूँ कि इकट्ठे तो आप ही ने करना है टेस्ट, और कोई तरीका ही नहीं है। वी भी क्लियर है। अब चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, लिख लेना या सॉलिड रहना रहेगा, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर में तो खाली भी हो सकता है ना, तो सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग लिख लेना ब्रैकेट में, यहां पे लिख लेना दिस इज अ सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि चार्ज वॉल्यूम के इनसाइड है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, ठीक। तो हमने ई का फॉर्मूला तो किया ही था, इसमें हमने ई का फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद होगा, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर क्यू चार्ज है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, रो वॉल्यूम वाइज, तो यहां पर ई का फॉर्मूला शेल वाला सेम था, तैयार कर लो। तो यहां पर आर डिस्टेंस पे ई का फॉर्मूला क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, शेल वाला सेम ही तो है, सॉलिड स्फीयर का और शेल का फॉर्मूला स्मॉल आर डिस्टेंस दूर सेम है, राइट। तो यहां पर वी का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम, चलो एक टेंशन तो खत्म। तो शेल और सॉलिड स्फीयर में ई और वी के फॉर्मूले बाहर शेल के या स्फीयर के क्या रहते हैं, सेम, डन, सही। सरफेस के ऊपर सेम, सरफेस के ऊपर भी ई का फॉर्मूला पता ही है, वही सेम है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो वी का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, तो ई भी सेम वी भी सेम, कोई डाउट, ये भी क्लियर है यहां तक, ओके। नेक्स्ट, पोटेंशियल इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, ये नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये वाला टॉपिक मतलब प्रूफ इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, प्रूफ इज नॉट फॉर कॉम्पिटिशन ऑल्सो, फिर डाला क्यों है, दिखाने के लिए, देखो ऐसा भी होता है, बताता हूँ क्यों डाला, बताता हूँ, कॉम्पिटिशन के लिए आता तो नहीं है, बट अगर आया तो क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूँ, आप जरा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। तो कॉम्पिटिशन में हल्का सा माइनर चेंज आ सकता है, अगर तो सीधा क्वेश्चन आ गया फिर तो फॉर्मूले से चल जाएगा काम, एक अगर उसने ट्विस्ट कर दिया तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, आपको मेथड सीखना पड़ेगा, मैं मेथड सिखाता हूँ। इसके स्टेप्स जो है समझने से पहले आप ये समझें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वी, क्वेश्चन क्लियर है, मुझे वी निकालना है। सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है अगर बी, सरफेस के ऊपर V का फॉर्मूला भी करवाया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, सरफेस का तो फॉर्मूला कर लिया हमने, लेकिन सरफेस पे नहीं निकालना, हमने कहाँ निकालना है, D पे निकालना है, करें स्टार्ट। D का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, छोटा r है, राइट। अब मुझे ये पता है कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड मान लो D पॉइंट पे अगर मैं ये पूछूं कि E की वैल्यू कितनी है, तो E का फॉर्मूला हमने किया था, याद है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स में, ये तो याद है, E हमने इसके इनसाइड यहां पे कर लिया था, क्या निकालना है, V, याद है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, तो मैं काम करूंगा डी वी इज माइनस ई डी आर, क्लियर है, लगा लूं, ये लिख लिया,
इंटीग्रेशन करूं, ई की जगह ये फॉर्मूला पुट कर लिया क्योंकि इनसाइड लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला कहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं ये फॉर्मूला, तो इसके अंदर ई का फॉर्मूला तो क्लियर है आपको, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट क्लियर है, अब लिमिट्स का खेल है सारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स ध्यान से। इमेजिन करो कि आप बी से डी पे आ रहे हो, इमेजिन करो आप बी से डी पे आ रहे हो, आपको कि मैं क्यों इमेजिन करूं, मैं इंफिनिटी से क्यों नहीं आ रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में लिमिट लगवाई थी इंफिनिटी से यार, अब कह रहे हैं बी से डी पे आ जा, मैं लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों किया। इमेजिन करो आप बी से डी पे आ रहे हो, या इमेजिन करो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो बी और डी का, आपको कहे लेकिन वो तो निकालना ही नहीं है मेरे को, तो डी का पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा निकालना है। अब मेरे कहे पे दो मिनट ऐसा मानो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो बी और डी का, तो आप लिमिट क्या लगाओगे, वी बी और वी डी, मतलब मान लो आप बी से, इमेजिन करो कि आप बी से किसी भी चार्ज को, बी से किसी भी चार्ज को कहां पे लेके आ रहे हो, डी पे, आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो, बी से डी पे, तो डी इज द फाइनल पोटेंशियल एंड बी इज द इनिशियल पोटेंशियल, मान लिया, तो ये आपका कौन सा पॉइंट माना जाएगा, इनिशियल, ये आपका कौन सा पॉइंट माना जाएगा, फाइनल, तो लिमिट क्या लगती है, इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल का पोटेंशियल कितना है वीबी और फाइनल का कितना है वीडी, लगा लिया यहां पर, ठीक है। अब डिस्टेंस की लिमिट देख लें, जब वीबी है बी पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, कैपिटल आर, तो बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, कैपिटल आर, डी पॉइंट कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर, तो डी पॉइंट कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर, तो क्लियर है यहां तक, तो लिमिट्स लगा दी मैंने VB से VD और कहां से कहां, कैपिटल R से छोटा R, तो यानी कि मैं कहां से कहां मूव कर रहा हूं, B से लेके D पे, ठीक है। ऐसा क्यों किया उसका आंसर देता हूं, पर अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया तो लिमिट लग गई, इसकी इंटीग्रेशन V VB से VD माइनस रो थ्री एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, R dr की इंटीग्रेशन क्या है, आर स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो एक बार वी की जगह वी डी, एक बार वी बी, और यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर बाय टू और कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू, क्लियर है, पुट कर दिया, कोई याद नहीं करना कोई स्टेप, कोई टेंशन नहीं है, एंड फॉर्मूला याद करेंगे। तो यहां पर रो पुट करेंगे, रो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, चार्ज कितना है क्यू और वॉल्यूम कितना है फोर बाय थ्री पाई कैपिटल आर क्यू, क्लियर है, तो पुट कर दिया इसको, अगर सॉल्व किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, पर मेरे को क्या निकालना है, VD, तो एक काम करते हैं VB को राइट साइड पे ले जाते हैं यहां पर, ये देखो, तो मेरे को इसमें क्या निकालना है, VD, तो VB को राइट साइड पे ये टर्म आ गई, और VB की वैल्यू तो सरफेस पे मुझे ऑलरेडी मालूम थी, मैंने पुट कर ली, तो सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाला, आपने ये याद रखना है बस। अब मैं आपको ये फॉर्मूला नोट कर लें, तो आपको ये प्रूफ नहीं पूछेगा वो, कोई टेंशन नहीं, मैंने क्यों करवाया मैं बताता हूं, ये क्लियर है यहां तक, आपको फॉर्मूला ही पूछेगा, इतना बड़ा प्रूफ कौन पूछ रहा है यार, कॉम्पिटिशन एनसीईआरटी में वैसे ही पूछेगा नहीं, कॉम्पिटिशन में इतना करेगा कौन, राइट, फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, नीट और मेन्स में आया हुआ है ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि आ सकता है, आप पुराने पेपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये फॉर्मूला, राइट, और फिर वो ये पूछेगा सेंटर के ऊपर वी कितना है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी कितना है, सेंटर के लिए मैं क्या करूंगा, छोटे आर को जीरो, सेंटर के लिए छोटा आर क्या कर दूंगा, जीरो, तो ये डी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे, तो जैसे ही छोटा आर जीरो पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो ये टर्म उड़ जाएगी, आंसर ये आएगा, तो ये फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर ये वी का फॉर्मूला, कैसे याद करना है, जितना पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय बड़ा आर, उसके 3/2 टाइम्स होता है आंसर, ठीक है। ग्रेविटेशनल में अर्थ पे पूछेगा क्वेश्चन, अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जीएम बाय आर, करेंगे ग्रेविटेशन में, उसके सेंटर पे क्या होता है, 3/2 टाइम्स होता है आंसर, ये प्रूफ है, ग्रेविटेशन में नहीं करते इसका प्रूफ, पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो फॉर्मूले तो याद रहेंगे,
अब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि उसको क्या सपने में आ रहा है बी और डी पॉइंट लेने हैं। इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया? क्योंकि शेल के केस में कहा लिमिट क्या ली थी? इन्फिनिटी से आर। इसमें नहीं ली। रीजन देखो, अगर आप इस सॉलिड स्फीयर के बाहर कहीं बात करते हो तो बाहर पोटेंशियल्स के फॉर्मूले डिफरेंट हैं और अंदर पोटेंशियल के फॉर्मूलास डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ई डिफरेंट है, अंदर ई डिफरेंट है, तो दो अलग अलग रीजन्स हैं। अंदर बिल्कुल अलग फॉर्मूलास चल रहे हैं, बाहर अलग चल रहे हैं। हम दो रीजन्स को मिक्स नहीं कर सकते। अगर मैं ये लिमिट लगा देता हूं इन्फिनिटी से छोटा आर, तो देखो रीजन चेंज हो रहा है, फर्स्ट रीजन सेकेंड, देखो दो रीजन चेंज हो गए। तो इसलिए हमने लिमिट इन्फिनिटी से आर नहीं लगाई, हमने बी से आर लगा ली। आंसर तब भी आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है? दो रीजन्स की वजह से। जब रीजन चेंज होता है तो एक साथ कॉन्टिन्यूस लिमिट्स नहीं लगती, या तो ब्रेक करके लगाओ, लगाओ यहां से इन्फिनिटी से कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, पर उतना कॉम्प्लेक्स हमने किया नहीं, तो हमने बी और डी के साथ काम कर लिया। नीट वाले तो भूल ही जाएंगे, प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद कर लें काम था। मेंस वाले भी 99% फॉर्मूलास पे क्वेश्चन आएंगे, बट 1%, सिर्फ 1% अगर उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया। एडवांस में तो पक्का करता है, एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? हर बहुत साल में आता है, मतलब हर साल आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। वो आपको डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा। आपको कहेगा तो फॉर्मूला याद कर लिया हमने, आंसर नहीं, वो कहेगा पोटेंशियल निकालो, रो की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, रो कहेगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर है कुछ भी, तो आपको रो वो चेंज कर देगा। तो यहां पर रो कांस्टेंट बाहर आ गया, मान लो रो की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर है, तो पुट करनी पड़ेगी और फिर नई इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। बस ये फर्क होगा, मेथड विल रिमेन, बस यही फर्क है एडवांस में, मेंस में और नीट में। एनसीईआरटी में नहीं आएगा, एडवांस में आएगा, मेंस में प्रूफ नहीं आएगा और नीट में बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूलेज आएंगे। क्लियर है? आप मेंस का पेपर जो सॉल्व करने को दूंगा ना, तो आप देखेंगे उस पर सिर्फ ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, क्लियर है? ग्राफ, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं सॉलिड स्फीयर का, वी का, तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वी का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। ये रहा। कौन ड्रॉ करेगा इसका ग्राफ? मेरे को नहीं आता, तो मैंने याद कर लिया। ये ऐसा ग्राफ है, वेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ग्राफ ऐसा है। हाँ, बाहर मुझे पता है अगर सॉलिड स्फीयर के बाहर आ जाते हो तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये रहा। तो आपको पेपर में मार्क करने को आएगा सॉलिड स्फीयर का ग्राफ प्लॉट करो वी का, ये ग्राफ है। समझ में आया? ग्रेविटेशन में आएगा, सेम ग्राफ है, ऐसा ही सेम हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ग्राफ तो वी के फॉर्मूले क्लियर है, ग्राफ भी क्लियर है। राइट, इसका मैंने वो नहीं बनाया यार, बनाया यार, कमाल है, मैंने बोला था यार मैं फ्री था, ये देखो मैंने फिर बनाया है ताकि याद कर सके स्टूडेंट की इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ेगा। कंपटीशन में जाओगे तो इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ोगे ना, तो क्या करो, आपको रजिस्टर भी ऐसे मेंटेन करने चाहिए ताकि आप फटाफट गो थ्रू करो, यही तरीका है। तो ये एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के बाहर वी का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के ऊपर वी का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के अंदर वी का फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलास प्रूफ नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट क्यू, क्यू क्या होता है? इसमें सिग्मा वाइज नहीं है, सॉलिड स्फीयर में रो वाइज है ना, डेंसिटी रो, तो रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। तो रो की जगह क्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? रो इंटू वॉल्यूम, तो इस क्यू की जगह रो इंटू वॉल्यूम आंसर। तो वी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो, क्लियर है? नया फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी सेम, कैसे सेम? स्मॉल आर को, इस क्यू को क्या पुट किया? रो इंटू वॉल्यूम आंसर। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोटे आर को कैपिटल आर पुट कर दो आंसर, छोटे आर को कैपिटल आर, सरफेस के ऊपर आ जाओगे। और सॉलिड स्फीयर के अंदर तो वी का फॉर्मूला एक ही है, तो बन गए 6 फॉर्मूलास। तो 3 फॉर्मूलास ई के, 3 फॉर्मूलास वी के, याद हो गए ये फॉर्मूलास, और सेंटर का अलग 7वां फॉर्मूला। बोला था ना आपको रजिस्टर भर जाएगा और बहुत फॉर्मूलाज हैं, ठीक, मतलब सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो 20 फॉर्मूलाज इकट्ठे हैं, ऐसे 20 के 20 इकट्ठे एक मिनट में तैयार हो जाएंगे, आधे घंटे में। तभी तो कह रहा हूँ प्लस टू में तो फॉर्मूलाज याद हो जाए, तो बंदा कहता है यार मेरे को प्लस टू की डिग्री दे दो यार, बस मैं प्लस टू से जाऊँ, इतने फॉर्मूलाज हैं। तो अच्छे खासे फॉर्मूलाज हैं,
तो इसका यही तरीका है, बार 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 रिवीजन, मिलते जुलते हैं लेकिन अच्छी बात यह मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है। देखो प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन, चार बार करोगे कन्फ्यूजन नहीं होगी, तभी तो प्रिंसिपल पहले बता दिया था मैंने आपको। चार बार क्लियर दिखेगा, पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वह कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, मेरी पूरी गारंटी है पेपर में जाने से पहले आपको भूलने नहीं दूंगा। 100 टेस्ट, बार 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 टेस्ट ही होते जाएंगे, याद हो जाएगा, कुछ स्कूल वाले लेंगे कुछ हम लेंगे, बराबर हो गया फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक तो बढ़िया लगा रिजल्ट, ठीक है। कौन सा? ओ एक रह गया, लाइन रह गया भाई, लाइन रहेगी, लाइन, लाइन चार्ज रह गया। लाइन चार्ज याद है गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन थी, हमने ई निकाला था। अब वो कहते हैं यहाँ पर क्या निकालो, वी लगाओ फॉर्मूला, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, प्रूफ नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की जगह पुट कर दें, लिमिट पुट कर दें, 1/r डी आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग आर टू द बेस ई, आंसर। एक और फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, क्लियर है? तो बढ़िया है, तो आज काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज कर लिए पर हमने इसकी एप्लीकेशन नहीं की। शेल्स और स्फेयर बताने में एक लेक्चर लग गया कि ये ऐसा होता है, क्वेश्चन तो किया ही नहीं कोई भी, अभी तो बताया है, अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस तब करेंगे जब इसके फॉर्मूलाज याद होंगे, जब फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन में कहाँ से लगाओगे, है ना प्रॉब्लम? सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि टाइम क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ना शेल और स्फीयर मिक्स चलेगा। अभी आ रहा है टेस्ट, ये ले घंटी मार दी, अब टेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम आपका जो टेस्ट होगा ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और शेल और स्फीयर के फॉर्मूलाज का होगा। मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगा लिखने को, टेस्ट ले आओ, फॉर्मूलाज दूंगा लिखने को, आप शेल और स्फीयर के सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे ई और वी के, तो याद हो गए, एक नंबर का एक फॉर्मूला, 10 फॉर्मूले 10 नंबर, नहीं याद करोगे 10 गए, याद कर लोगे तो 10 10 आ जाएंगे, और तरीका क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं। सही बोल रहा हूँ ना? ठीक, तैयारी करना। टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है।